सो हम लोग नालंदा से बस के थ्रू आ गए हैं यहाँ पे। राजगीर में एंट्री कर चुके हैं हम लोग। ये राजगीर का बस स्टैंड और हम लोग का होटल यहाँ से बहुत करीब ही है। सो हम लोग अब होटल के लिए निकल रहे हैं कि होटल जल्दी से पहुँचा जाए, क्योंकि काफ़ी थक गए हैं हम लोग सारे लोग। तो जल्दी जल्दी हम लोग होटल के लिए निकल रहे हैं बस। तो हम लोग आ गए हैं होटल आनंद लोक ग्राउंड से। होटल आनंद लोक है ये, करते हैं बीच चेक इन हो गया हम लोगों का और हम लोग अभी होटल के अंदर जा रहे हैं। देखते हैं हम लोगों का होटल का, ये देखिए इसका बूफे लगा हुआ है इधर, जहाँ पे हम लोग खाना खा सकते हैं या खाएंगे जो भी है। ये है उसका लॉन जिसमें बूफे लगा हुआ है। और बाकी हम चेक इन कर रहे हैं अंदर। ये देखिए इसमें पूरा भरा हुआ है। कौन से फ्लोर पे? सो अभी हम लोग सब ऊपर जा रहे हैं अपने फ्लोर के लिए। फोर्थ फ्लोर पे हमारा होटल है, हमारा रूम है सॉरी। सो वहाँ पे चलते हैं फिर देखते हैं आगे। सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है, मास्क हटा देते हैं। ओके सो पता नहीं कहाँ चले गए सब, मुझे ढूंढना पड़ेगा। हाँ ये हमारा होटल, यहाँ से आपको हम नज़ारा दिखाते हैं थोड़ा सा। हमारा होटल और यहाँ से ये नज़ारा दिख रहा है पहाड़ों का। और ये देखिए सिर्फ पहाड़ ही चारों तरफ दिख रहे हैं, ये होटल है हमारा। और यहाँ से पहाड़, यहाँ से व्यू देखिए, काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ से। और ये हमारा होटल है जिसमें हम लोग रहने वाले हैं। बस रिलैक्स करते हैं क्योंकि काफ़ी थक गए हैं। ये देखिए इन लोगों को, ज़रा ये कुछ कहना चाहते हैं। काफ़ी थक चुके हैं पर यहाँ आने के बाद काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा है। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे। आप देख सकते हैं बाहर देख सकते हैं और यहाँ पे तो एकदम। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं यार। इसको हाउ वाज फीलिंग? अभी काफ़ी थकने के बाद से यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी रिलैक्स फील होगा। और आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा इधर का, जिसमें अभी साफ़ सफाई किया जा रहा है। और ये हमारा कबर्ट होगा जिसमें कि कुछ नहीं रखेंगे हम लोग। और ये पढ़ना तो है ही नहीं हम लोगों को, कुछ काम भी नहीं है पर्सनल ये है। और बाकी यहाँ से खूबसूरत एक ही चीज़ मुझे लग रहा है, वो है यहाँ का व्यू, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ का बहुत ही मस्त। यहाँ से पहाड़ वगैरह सारे दिख रहे हैं यहाँ से, और यहाँ का नज़ारा काफ़ी मस्त है। ये देखिए यहाँ पर आप बूफे लगेगा तो यहाँ पर आप खाना खा सकते। यहाँ से बस स्टैंड दिख रहा है और ये बस स्टैंड, और यही रोड जो जाता है सीधे, जो दिख रहा है रोड आपको, ये रोड सीधे चला जाएगा आपको वो गर्म कुंड होते हुए, और बाकी जो इधर के घूमने वाले एरिया हैं वहाँ पे ये लेके चला जाएगा। और ये बाकी जो पहाड़ दिख रहा है, वैसे यहाँ का व्यू इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ से पहाड़ काफ़ी अच्छा दिख रहा है दूर का। बाकी हम अभी थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं, फिर उसके बाद से आपसे बात करेंगे। और उसके बाद से फ्रेश होकर थोड़ा सा आपसे मिलते हैं, थोड़ा अच्छा फील करें हम भी। अब सब कोई फ्रेश होने के लिए काम पे लग गया है, हम भी फ्रेश हो ले थोड़ा सा, फिर मिलते हैं। सो फाइनली अब सब रेडी होकर निकल चुके हैं। मैं ही थोड़ा सा लेट हो गया था, पर देखिए सारा सामान कितने अच्छे से बिखरा पड़ा हुआ है। और आएंगे हम लोग तब अभी उसको सेट करेंगे। सो अब यहाँ से बाकी बच्चे चले गए हैं अब। अच्छा मैं अकेले और मैं अभी नीचे चलूँगा। सो अभी होटल से बाहर निकल गए हम लोग और अभी चलेंगे ई रिक्शा लेंगे और फिर वहाँ से। सो हमारी पूरी गैंग निकल चुकी है फिर से फ्रेश होके, थोड़ा सा हम लोग नहाने के लिए भी थोड़ा रेडी होके जा रहे हैं। और अभी ई रिक्शा मिलेगा हम लोगों को, देखते हैं ई रिक्शा से ही जाएंगे। और यहाँ से 700 मीटर है शायद, तो देखते हैं पैदल भी निकल सकते हैं हम लोग, बट देखते हैं। यहाँ पे टांगा बहुत ज़्यादा चलता है, घोड़े वाला जो गाड़ी होता है यहाँ पे, यहाँ की सरकार ने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है इसके लिए। तो हम लोग आ गए हैं जिसको गर्म कुंड बोलते हैं, इसे राजगृह तपोवन तीर्थ भंडा समिति ब्रह्म कुंड द्वार है ये, जो कि शायद दिख नहीं रहा होगा आपको राइट, बट ये दिखेगा आपको। कल फर्स्ट जन है और
आज है 31 दिसंबर और आज इसी वक्त से भीड़ लगना शुरू हो गई है। बाहरी जो लोग हैं, जैसे हम लोग आए हुए हैं, वैसे ही ट्रैवलर भी यहाँ पर बहुत सारे आए हुए हैं। बहुत भीड़ है इस टाइम। ऐसे नॉर्मल डेज पे इतना भीड़ नहीं होता, बट ये न्यू ईयर की वजह से काफ़ी भीड़ लगता है यहाँ पे। आप अगर सोचें कि 1 जनवरी को आके और यहाँ पे आप गर्म कुंड का अच्छे से आनंद ले पाएंगे तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, तो इस वजह से गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे, थोड़ा बहुत मान सकते हैं। ये है गर्म कुंड का पूरा लोकेशन और पीछे पहाड़ है। बाकी इधर से हम लोग अब पहाड़ की चढ़ाई शुरू करेंगे। आइए दिखाते हैं हम लोग कहाँ की चढ़ाई करने वाले हैं। सो, ये देखिए, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम लोग को आगे ऊपर पहाड़ तक जाना है। बाकी ये लोग बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं, हम थोड़ा पीछे पीछे चल रहे हैं आप लोगों को दिखाते हुए। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से चढ़ना। सो, अभी पहाड़ की ये ऊंचाइयों पे हम लोग चढ़ना शुरू कर दिए हैं और आगे चलते हैं। आइए दिखाते हैं आपको, इतना ऊपर तक जाना है बहुत अभी, मौका मिलना। और ये देखिए यहाँ से नज़ारा, राजगीर से काफ़ी खूबसूरत लगता है ऊपर से, खूबसूरत है अभी। अतुल फर्स्ट पहाड़ चढ़ चुके हैं हम लोग और थक चुके हैं यार और चढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन अभी बहुत और ऊपर तक जाना है हम लोगों को अभी। वो तो कैसे भी चलना ही पड़ेगा ना। हाँ देखिए, ऊपर जितने जैसे आ रहे हैं, वो बड़ा वाला पहाड़ जो दिख रहा था हाइट पे, वो और धीरे धीरे नीचे होते चला जा रहा है। सो, जैसे जैसे पहाड़ी ऊपर होते जा रहा है, हम लोगों की हालत ख़राब होते जा रहा है। सनसेट होने वाला है, जल्दी जल्दी हम लोग चलते हैं, जल्दी से रिटर्न भी होना है उधर से। वट नज़ारा। हाँ, बहुत हाइट पे आ गए हम लोग अभी। पूछिए इधर देखिए, इधर का नज़ारा नीचे बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। हाँ, इनसे थोड़ा पूछते हैं अतुल से, क्या हाल है अतुल? हालत तो बहुत डेंजरसली है, चढ़ने की मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, ये तो फटे लेकिन भौका नहीं लगा, यही हालत तो चढ़ना पड़ेगा हमको। मज़ा तो बहुत आ रहा है पर हालत बहुत बहुत खराब आ रहा है। और आगे हम लोग अभी जाते हैं, अभी और ऊपर देखिए, इधर का नज़ारा बहुत ही मस्त है। इधर का देखिए, काफ़ी खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा। बाकी पीछे देख रहे होंगे पहाड़ आपको, और ये रहा नज़ारा यहाँ का। अभी रुके रुके और फिर जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं हम लोग सहारा यहाँ से, मस्त लग रहा है ये। सो, फिर हम लोग सारे लोग मिल गए यहाँ से और सो, हम लोग अभी तीसरा मंदिर आ गए हैं, यानी तीसरे नंबर पहाड़ पे हम लोग आ चुके हैं। ये पांचवी पहाड़ी इसको बोला जाता है, पांच पहाड़ी का इस पे है लेयर। कुछ हीरो कुछ कहना चाहते हैं तो हीरो बताइए। बहुत बहुत मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पे आते हुए। ये हम लोग का तीसरा मंदिर है, तीसरी पहाड़ी पे हम लोग, तीसरी पहाड़ी है। हाँ, शायद से तीसरी पहाड़ी। हम लोग एकदम गाना फुल साउंड में सुनते हुए मस्ती से जा रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक का काम कर रहे हैं, एकदम भोजपुरी गाना सुनते हुए, छोटी छोटी तर छोटी, देखिए सुन सकते हैं आप, एकदम सुन सकते हैं, बिल्कुल सुन सकते हैं। ये एनर्जी देता है हम लोगों को, एनर्जी देता है। हम लोग ये गाना लेते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं, यहाँ गुफा है अंदर, वहाँ पे देखते हैं गुफा में क्या नज़ारा। देखिए ये नीचे जा रहे हैं हम लोग, गुफा के अंदर है, यहाँ पे गुफा है पास में। और यहाँ का लोकेशन देखिए, क्या धांसू लोकेशन लगता है यहाँ पे पहाड़ के ऊपर से। हम लोग तीसरी पहाड़ी पे हैं अभी और आइए नीचे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ से गिरने के बाद से क्या होगा पता भी नहीं चलेगा। और आगे की पहाड़ी पर चलना है और शाम काफ़ी जल्दी जल्दी हो रही है। और ये गुफा है यहाँ पे, आइए हम घुमाते हैं लोगों को थोड़ा सा गुफा। ये देखिए कितना रिस्की है, यहाँ से अगर कोई गिरेगा तो खा जाएगा, खाई है पूरा। सब गुफा में घुसने के लिए वो हल्ला कर दिए हैं, घुस के ही रहेंगे सब गुफे में। नाक जगह हमें लग रहा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसके अंदर जाने के लिए, लेकिन कोई जा नहीं पा रहा है, पर हम आपके लिए करके दिखाएंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
जय श्री राम। घूम के और यहाँ पे काफी लोग बाहर आते हुए चलो जय श्री राम बोल बोल जय श्री राम। अरे खत्म अरे खत्म भाई ए भाई अरे उमा हम जा रहे हैं भाई डर लगा रहे अबे अंदर है कि नहीं अरे है अंदर गुफा है जय बहुत दूर है नजर अरे बुलाइने में बकला अबे अबे बड़ा बवाल चीज है बे अबे देख रहा हूं जय हो अबे और यहाँ पे हम आप देख सकते हैं हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं इसके आगे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है रास्ता भटकते हुए और यहाँ पे सबकी फटी पड़ी है पर सबकी फटी पड़ी है वे लेकिन वी कैन डू दिस हम लोग कर सकते हैं आप लोग भाई हम लोग के साथ माइक के लिए माइक देखिए गाइस हम आप लोग के लिए कितना बड़ा कदम उठाते हुए हालत तो काफी खतरनाक जगह है काफी खतरनाक जगहों का सामना करके हम लोग ऐसा भाई पीछे से धीरे से पवेलियन भागा सर चले के चले के ओ माय गॉड ओ माय गॉड पिकनिक मनाने का प्लान देख रहे हैं ठीक है सर चल रहे मनीष थोड़ा सा धूल मत उड़ा लो धूल मत उड़ा लो लग रहा है कि हम लोग पार कर जाएंगे इस गुफा को कहाँ निकलेगा इस गुफा का कुछ पता ही नहीं है भाई चूहा है चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग हम लोग रिस्क है तभी तो इस खेत के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे अपने उठ के आना बहुत बेहुद्दा है जय श्री राम पहाड़ की ऊंचाइयों पे आ गए हैं हम लोग पता नहीं और कितना बचा है ऊपर जाने के लिए हम लोगों को ओ गॉड अभी भी शाम पूरा देखिए कितना मस्त नज़ारा दिख रहा है ये सनसेट होने वाला है और हम लोग लगभग एकदम पहाड़ के ऊपरी हिस्से पे आ चुके हैं यहाँ कोई नहीं दिख रहा है सारे लोग भाग चुके हैं और देखिए पहाड़ के ऊपर इतना आ गए हम लोग कि पहाड़ भी सब बराबर में आ गए हैं तो और ऊपर देखते हैं कहाँ तक जाते हैं हम लोग सो अभी देखिए यहाँ का नज़ारा ऐसा लग रहा है कि हम लोग नॉर्मल रास्ते पर चल रहे हैं बट हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं सफर शुरू हो गया और यहाँ पहाड़ के ऊपर कोई भी आने वाला नहीं है सिर्फ हम लोग के अलावा और हम लोग और ऊपर जाते जा रहे हैं हम सफर शुरू लो सफर शुरू हो गया हम अपन सफर का लो सफर ना हम सफर अच्छा ओके ठीक है हम सफर शुरू हो गया ओके ठीक है इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल नेचर और ये देखिए लास्ट ये मंदिर है पांचवा मंदिर जो लास्ट का है और यहाँ के बाद से ये पहाड़ पूरी तरीके से खत्म नहीं देखिए ये पहाड़ अब हम लोगों का हालत पूरी तरीके से डैमेज हो गया है ये रहा हम लोगों का लास्ट एंड लास्ट पहाड़ी पे हम लोग का ये आ गए हैं हर महादेव जय हर महादेव याहू हम लोगों ने कर दिखाया खुशी और दिखा रहे थे तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं लास्ट पहाड़ी पे और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है अब इसके बाद नेक्स्ट पहाड़ है तो ये देखिए यहाँ से हम ऊपर से थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखाते हैं सिर्फ पहाड़ी और सिर्फ बाकी धुंधला ही दिख रहा है वाव वाव कें खाई बस सीधा दे वाव देखिए हम लोग कितना ऊपर आ चुके हैं हाँ यार दिन भर जब सो ये देखिए नज़ारा यहाँ का कितना खूबसूरत नज़ारा है वाह एकदम लास्ट पहाड़ी पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे अभी थोड़ा देर रुकेंगे और फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे नीचे के लिए और ये सनसेट भी शायद शायद हो जाएगा साथ में हाँ आ रहा बिल्कुल सो अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं अब ऐसा लग रहा है कि सीढ़ी और ये जो फ्लैटी में ही बना हुआ है ये हम लोग को धकेल रहा है बहुत जल्दी जल्दी पैर कदम चल रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी हम लोग दौड़ते हुए ऐसा लग रहा है कि जा रहे हैं यहाँ से अभी उतरने का टाइम हो गया है और अभी लगता है रात होने से पहले शाम होने से पहले हम लोग उतर जाएंगे नीचे सनसेट वैसे हो चुका है और जल्दी जल्दी हम लोग नीचे उतरते हैं फिर नीचे उतरने के बाद से फिर बात करते हैं सो देखिए ये गैंग सारे जल्दी जल्दी नीचे उतर रहे हैं हम लोग अब मिलते हैं फिर
सो फाइनली हम लोग पहाड़ ये जो है नीचे उतर के चले आए हैं। अब यहाँ पे हम लोग, अब अंधेरा हो गया, उस टाइम आए थे तो शाम था, बट अभी अंधेरा हो गया है और हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ पे नहाएंगे गर्म कुंड में और वहाँ का थोड़ा सा आनंद लेंगे और फिर होटल के लिए निकलेंगे हम लोग। सो चलिए पहले नहाते हैं। यहाँ देखिए, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा सा, हम लोग ने नहाना कैंसिल कर दिया है क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ है, तो आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ नहाना बहुत ही मुश्किल है, सो इसीलिए हम लोग भाग रहे हैं।